वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज की वीडियो है मकड़ के क्यू कार्ड के सैम्पल आंसर ऊपर। जैसे कि रजिब पहले एक क्यू कार्ड ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पर, अब वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब अ बुक दैट यू इंजॉय रीडिंग, व्हाट दिस बुक वॉज, वाई यू डिसाइड टू रीड इट, एंड व्हाट रीडिंग दिस बुक मेड यू थिंक दैट, एक्सप्लेन वाई यू इंजॉय रीडिंग दिस बुक। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आंसर स्टार्ट किया, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ बुक दैट रियली मेड मी थिंक एंड दैट हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन माई लाइफ। जैसे कि रजय, या मैं एक बुक के बारे में बात कर रही हूँ जिसने मेरे पर पॉजिटिव, मेरी ज़िंदगी पर एक पॉजिटिव असर डाला है, मतलब कि पॉजिटिव इफेक्ट डाला है। द नेम ऑफ दैट बुक, जैसे कि यहाँ मैंने बुक का नेम लिखा, द सेवन सीक्रेट ऑफ फिनोमिनल लाइफ। इट इज़ अबाउट हाउ स्मॉल डिसीजंस लीड्स टू अ फिनोमिनल आउटकम्स ऑन पीपल्स लाइफ। जैसे कि यहाँ मैंने छोटे डिसीजंस, मतलब स्मॉल डिसीजंस, मतलब छोटे डिसीजंस के बारे में बात की है, कैसे छोटे डिसीजंस हमारा लोगों की ज़िंदगी पर असर डालते हैं और फिनोमिनल आउटपुट हमें मिलता है जब हम छोटे डिसीजंस के बारे में रीड करते हैं इस बुक में। आगे हम देखते हैं, जैसे कि I decide to read The Seven Secret of Phenomenal Life after seeing an interview with book author। जैसे कि रजे, या मैंने जिसने या जिसने ये वाली बुक लिखी थी, या मैं ऑथर का नेम डालना था, नेम डालना भूल गई थी। अब कोई भी नेम लिख सकते हैं। जैसे कि एक्चुअली मेरे को ऑथर का नेम याद नहीं था, इसलिए मैंने बुक ये रीड की हुई थी। जैसे कि यहाँ मैंने बोला कि मैंने डिसाइड किया मैं बुक रीड करूँगी जिसका नाम सेवन सीक्रेट ऑफ फिनोमिनल लाइफ था। जैसे कि उस पर्सन की इंटरव्यू देखने के बाद, इन द इंटरव्यू ही टोल्ड, जैसे कि उसने इंटरव्यू में काफ़ी अच्छी स्टोरीज बताई थी और जैसे कि उसने काफ़ी अच्छे हैक्स बताए थे, लाइफ हैक्स, जैसे कि कैसे कोई भी पर्सन की मोर प्रोडक्टिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, साथ के साथ क्या हो सकता है कि मोटिवेट होगा, हैप्पी रहेगा। जैसे कि प्रोडक्टिव इन द सेंस कि रजे फ्री नहीं होगा और लाइफ अपने पॉजिटिव वे से जिएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। आई फाउंड द होल आइडिया फैसिनेटिंग एंड सो आई बॉट द बुक राइट अवे। जैसे कि यहाँ मैंने बोला है कि मेरे को पूरा आइडिया बहुत ज़्यादा फैसिनेट, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने फिर बुक बाय कर ली उसी टाइम। जैसे कि रजय, यहाँ मैंने ओवरऑल जो लिखा है कि पहले तो मैंने उस पर्सन की इंटरव्यू देखी, उसने इंटरव्यू में काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरीज बताई और लाइफ हैक्स बताए जिससे मुझे लगा कि ये बुक पढ़ने के लायक है और ये बुक में मेरे को काफ़ी चीज़ें पता लगी कि कैसे हम मोटिवेट हो सकते हैं, कैसे हम खुश रह सकते हैं छोटी चीज़ों में। हम आगे देखते हैं। While reading the book, I was forced to confront my own habit and behaviors. I realized that I am nowhere near as productive as I could be, but some that changes to my routine could be make a significant and long-lasting effect. जैसे कि रजे, या मैंने बोला कि जब मैं बुक रीड कर रहा था तब मेरे को लगा कि जो मेरी हैबिट्स हैं, वो बिहेवियर है, वो ऐसा, मतलब कि उसमें चेंजेस आने चाहिए। जैसे कि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इतना प्रोडक्टिव नहीं हूँ जितना मेरे को होना चाहिए और फिर मैंने चेंजेस किए अपने डेली रूटीन में, जिससे क्या हुआ कि मेरे को बहुत ज़्यादा चेंज आया और लॉन्ग लास्टिंग डिफरेंस देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू बिफोर एंड आफ्टर। जैसे कि आगे मैंने लिखा, द बुक आल्सो गेव मी अ फ्रेमवर्क to understand and how good habits are framed and how bad habits can be broken। जैसे कि रजे, इस बुक ने एक फ्रेमवर्क, मतलब कि पूरा डिटेल में बताया जो चीज़ मैंने समझी कि गुड हैबिट्स हम कैसे बना सकते हैं और बुरी हैबिट्स को हम कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब कि ब्रेक कर सकते हैं। इट has encouraged me to analyze my own habit accordingly। जैसे कि इस बुक ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की है ताकि मैं अपनी हैबिट्स एनालाइज कर सकूं और उसमें चेंजेस कर सकूं। आगे हम देखते हैं, जैसे द ऑथर्स आइडिया एंड एडवाइस आर नॉट सिंपली हिज ओपिनियन, दे आर टेकन फ्रॉम कटिंग एज रिसर्च एंड रियल असेस स्टोरीज। जैसे कि जो ऑथर के आइडियाज़ हैं, एडवाइस है, वो सिंपल उसके ओपिनियंस नहीं हैं, वो लिए गए हैं
सर्च के द्वारा और जैसे कि रियल लाइफ स्टोरी से लिए गए हैं। आई इंजॉय रीडिंग बुक्स दैट चेंज माई वे ऑफ थिंकिंग। जैसे कि मैं इंजॉय करता हूँ वो वाली बुक्स रीड करना जिसमें मेरा देखने का नज़रिया चेंज होता है प्रैक्टिकल वे में, ताकि वो चीज़ें मेरे को और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहें फ्यूचर में। जैसे कि ऐसे में मैंने इसमें लिखा है जैसे कि आई एम इंजॉइंग रीडिंग बुक्स दैट चेंज माई वे ऑफ थिंकिंग। मेरा सोचने का नज़रिया कुछ प्रैक्टिकल वे में चेंज हो और वो जो नज़रिया मेरा चेंज होगा वो मैं अपने लाइफ डिसीजंस में ले सकूं। दिस वाज द डेफिनेटली वन ऑफ दोस बुक। ये उनमें से ही एक बुक थी। जैसे कि रजे ऐसे मैंने सैंपल प्रिपेयर किया, सैंपल आंसर। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।